व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रमोद भटीजा। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। और मैं खड़ा हूं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस लोकल स्टेशन, और सिर्फ लोकल ही नहीं, ओवरऑल रेलवे स्टेशन के बाहर। यार, आप जब मुंबई सुनते हो किसी पिक्चर में, इंस्टाग्राम के किसी पोस्ट में, तो यही इमेज सबसे पहले आपके सामने आती है, क्योंकि इसी से मुंबई जाना जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड आइकॉनिक एंड द बिजिएस्ट लोकल स्टेशंस इन मुंबई। यहाँ पे आपको ऑफिस वाले बोल दो, कॉलेज वाले बोल दो, बिजनेस वाले बोल दो, टूरिस्ट बोल दो, सब किस्म के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। और अगर इतनी आइकॉनिक, इतनी लेजेंडरी ये लोकल स्टेशन है, तो यार इसके आजू बाजू का खाना भी तो उतना ही अच्छा होगा। तो आज हम शूट कर रहे हैं द थर्ड पार्ट ऑफ बेस्ट फूड नियर लोकल स्टेशन इन मुंबई, बेस्ट फूड आउटसाइड सीएसटी स्टेशन। चलिए, फर्स्ट प्लेस अगर हम मुंबई में सीएसटी के बाहर हैं, तो आराम का वड़ा पाव तो भाई शुरू करना ही पड़ेगा, वरना तो गलती हो जाएगी। चलिए, फर्स्ट प्लेस ऑफ द डे इज आराम वड़ा पाव, द फेमस आराम वड़ा पाव, लेट्स गो। अगर आप मुंबई से हो एंड यू ट्रैवल इन लोकल ट्रेन्स, यू मस्ट हैव ईटन आराम वड़ा पाव यहीं खड़े होकर जहां मैं खा रहा हूं, राइट इन फ्रंट ऑफ सीएसटी स्टेशन। देखो, ये जगह पे खड़े होकर आराम वड़ा पाव खाने का अलग ही मजा है। आप घर लेके जाओ, दोस्तों के साथ लाके मरीन ड्राइव पे खाओ, वो उसका चार्म है। बट खड़े होकर आराम वड़ा पाव के नीचे छाओ में, हवा में सीएसटी का व्यू देखते देखते खाने में अलग ही मजा है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वड़ा पाव सेलर्स इन मुंबई। 70 प्लस ईयर्स से ये लोग वड़ा पाव सेल करते हैं। 20 रुपीज़ का एक वड़ा पाव है। ये देखिए, इफ़ यू सी द साइज ऑफ दिस वड़ा पाव, छोटा है, वड़ा बड़ा है, एंड दैट इज समथिंग विच आई रियली लाइक अबाउट एनी वड़ा पाव। सूखी चटनी, हल्की सी ग्रीन चटनी, बड़ा वड़ा और एक ये छोटी पाव। मुंबई में कितनी वड़ा पाव खा लो, कितना भी घूम लो, जो आराम वड़ा पाव का वड़ा पाव रहेगा ना, जो उसका टेस्ट रहेगा, यू वॉन्ट फाइंड इट एनी वेयर एल्स। दे कीप इट रियली सिंपल। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप इस वड़े को देख के ही समझ जाओगे। इट इज अ सिंपल आलू का वड़ा, हल्की सी चटनी, एंड ये वड़ा काफ़ी बड़ा है। बाहर से क्रिस्पी भी है, अंदर से अगर इसके एजेस देखोगे ना, सॉफ्ट है। अगर आप वड़ा देखोगे, कुछ भी हल्दी एंड मस्टर्ड चीज नहीं डाला है, आलू को अच्छे से मैश किया है, हल्का सा जीरा एंड लॉट्स ऑफ सूखी एंड गीली चटनी। लुक एट द अमाउंट ऑफ चटनी इज दे पुट इन हियर। आराम का जो वड़ा पाव रहता है, वेरी सिंपल है, जस्ट टोल्ड यू। ये तो बहुत अच्छा था, अब नेक्स्ट जगह पे चलते हैं। तो आराम वड़ा पाव का सिग्नल क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड में सबवे के बाहर ना खाने पीने के ऐसे स्टॉल्स लगेंगे। वैसे काफ़ी कंजेस्टेड है कभी, क्योंकि मेट्रो का काम चालू है ना, तो बहुत कंजेस्टेड है। मैं बाहर खड़े होकर खा रहा हूँ। मैंने सुख सागर करके एक छोटा सा जॉइंट है, वहाँ से मैंने अपने लिए चाइनीज़ भेल ले लिया है। ये देखिए, 30 रुपीज़ की ये मंचूरियन चाइनीज़ भेल है। अगर आप इस चाइनीज़ भेल को देखोगे, मंचूरियन के बहुत सारे पीसेस हैं, जो शेजवान चटनी जाती है चाइनीज़ भेल में, ये उसमें काफ़ी ज़्यादा डाली गई है। मुझे खाली पत्ता गोभी दिख रही है, हालाँकि मुझे इसमें कांदा फिलहाल दिख नहीं रहा है। लॉट्स ऑफ मंचूरियन, शेजवान चटनी, दुनिया का असली खजाना। जैसे गुफाओं में गुफा होता है ना, वैसे ही इंडिया में स्ट्रीट फूड छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे जो दुकानें होती हैं उसमें ही मिलता है। यार क्या चाइनीज़ भेल है ये, जैसे सॉसी, मीडियम स्पाइसी, मंचूरियन इतना क्रिस्पी है। ये जो फ्राइड नूडल्स हैं, ये बिल्कुल भी सॉगी नहीं हो रहे हैं, दे आर स्टिल क्रिस्पी इंटैक्ट। हल्का सा क्रंचीनेस मुझे आ रहा है एक्स्ट्रा इन कैबेज में से, थोड़ा सॉल्टी आपको ज़्यादा लगेगा, एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ वर्थ इट। लाइक 20 रुपीज़ तो छोड़ो, मैं इसके लिए 40 रुपीज़ भी दे दूँ, इट्स दैट गुड। दो लोग भी इसमें आराम से खा सकते हैं। वैसे ये कैनन पाव भाजी जो है ना, उसके राइट में आता है, उसके बगल में आता है, उसके लाइन में आपको काला खट्टा, सेव पूरी, तवा पुलाव, मसाला पाव, वड़ा पाव, बहुत कुछ मिलेगा। वेरी गुड।
आज की नेक्स्ट जगह जो हम लोग आ चुके हैं वो है गुरु सिंध। यहाँ पे अगेन आपको नॉर्थ इंडियन आइटम्स बहुत मिल जाते हैं, मोस्टली थाली कल्चर यहाँ पे रहता है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो अलग आता मंगा सकते हो। आप लोगों को डिलक्स थाली मिलेगी, पनीर थाली मिलेगी, जो नॉर्मल रेगुलर थाली आपको मिलेगी, और भी तीन चार थाली के ऑप्शन से पनीर थाली मिलेगी जो मैंने ऑर्डर किया है। इसके अलावा अगर आपको थाली नहीं खानी, अगर अपने हिसाब से कुछ ऑर्डर करना है, उसके भी आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैंने पनीर थाली ऑर्डर कर दी है जिसमें आपको पनीर की एक भाजी मिलती है, दाल मिलती है, आलू गोभी मिलती है, छोले मिलते हैं, देन यू गेट चावल कांदा। ये देखिए, तो ये हमने पनीर थाली अपने लिए ऑर्डर की है। बीच में है हमारे पास ये जीरा राइस, ये है हमारे पास पनीर की भाजी, ये है हमारे पास दाल, आलू गोभी, ये है छोले, ये है अचार कांदा, आई हैव लाइक टू चपाती जिसमें हल्का मुझे घी दिख रहा है, पापड़, स्वीट में गुलाब जामुन एंड रायता। अब दिस वन कॉस्ट अराउंड 180 रुपीज़, 180 के हिसाब से तो क्वांटिटी इज़ फिनोमिनल। लाइक सबसे पहली चीज़ जो मैं ट्राई करूँगा दैट इज़ गोइंग टू बी दाल अलॉन्ग विद राइस। सबसे पहले हम ये लेंगे दाल। अगर दाल के ऊपर मैं देखूँ, ये हल्का हल्का मुझे गार्लिक दिख रहा है, कांदा, टमाटर लग रहा है। ओके, दिस दाल इज़ मोर ऑन द टैंगी साइड। अनियन और टमाटर जो रहता है उसका रॉ टेस्ट तो आ रहा है, बट अलग से दाल में हल्की सी खटास है, जीरे का मुझे टेस्ट आ रहा है, स्पाइसेस अच्छे खासे डाले गए हैं। दाल की कंसिस्टेंसी देखेंगे, मुझे हल्की सी पतली लग रही है, बट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट इट्स वेरी वेरी गुड। अगर आप नीचे से ऐसे उठाऊंगा तो मेरे को हल्की सी गाढ़ी दाल लग रही है, बट अगर मैं से तो ऊपर से उठा रहा हूँ तो मेरे को थोड़ी पतली लग रही है। ओवरऑल इफ आई मिक्स इट, इट्स गोइंग टू बी अ नाइस सेमी थिक दाल, एंड दीज राइस आर ऑल्सो क्वाइट गुड, डिसेंट अमाउंट ऑफ ऑयल, बहुत सारा धनिया, जीरा, चावल अच्छे से पकाए गए हैं एंड कच्चे नहीं है बिल्कुल भी, एंड द क्वांटिटी इज ऑल्सो क्वाइट गुड। अभी हम लोग ये चपाती लेंगे और पनीर की भाजी के साथ ट्राई करेंगे। ओके, दिस चपाती हैज लाइक अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ घी, ये देखो कितना घी है चपाती पे। और ये पनीर की भाजी की कंसिस्टेंसी मुझे काफ़ी सही लग रही है, थोड़ी सी और लूँगा अच्छे से ताकि ग्रेवी भी हम टेस्ट करके आपको बता पाएँ। ये पनीर की भाजी में से हल्की सी स्वीटनेस आ रही है, एंड द पनीर इज इनक्रेडिबली सॉफ्ट। पनीर मखनी खाते हैं ना, थोड़ी तो वैसी ग्रेवी सॉर्ट ऑफ मुझे लग रही है, टेस्ट वेरी नाइस, स्वीट थोड़ी ज़्यादा लगेगी आपको। द चपाती इज ऑल्सो क्वाइट गुड, घी अच्छा खासा डाला गया है, एंड एनी टर्म्स हैवी आपको लगेगा नहीं। नाउ लेट्स ट्राई दिस छोले, छोले हम चपाती के साथ ट्राई कर रहे हैं। ये देखिए, जो छोले हैं काफ़ी थिक है, अब तक मैंने जो भी खाया सबसे थिक ये छोले हैं यहाँ पे, बिट स्पाइसी। अगर मैं आपको छोले दिखाऊं क्लोजली, आपको ऊपर से इधर भी धनिया दिखेगा, हल्का हल्का कांदा भी दिखेगा, इसको भी इतनी अच्छी से मैश नहीं किया गया है, थोड़ा रॉ एलिमेंट इसका रहने दिया गया है, एंड छोले आर बॉइल्ड वेरी वेल। हम लोग थोड़ा कम्फर्टिंग छोले बोलते हैं ना, आपको इसमें से वो वैसी सॉर्ट ऑफ टेस्ट आएगी। ये आलू गोभी की हमारी सब्ज़ी है, आई फाउंड इट टू बी डिसेंट। जो आलू गोभी है वो और थोड़ी सॉफ्ट हो सकती थी और थोड़े और मसाले डाले जा सकते थे, हल्का सा मुझे ब्लैंड लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आलू जो है सॉफ्ट है, गोभी जो मुझे लगता है थोड़ी और, जैसे मैंने आपको बताया, और कुक करते थोड़ा उसको और सॉफ्ट करते, मसाला थोड़ा ज़्यादा डालते। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आस्क मी माय पर्सनल फेवरेट, इन सबसे मुझे बेस्ट लगी पनीर की भाजी। अभी जो लास्ट की दो चीज़ें हैं और एक और चीज़ इन्होंने दी है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले हम ये बूंदी रायता ट्राई करते हैं, काफ़ी गाढ़ा लग रहा है मुझे बूंदी रायता। भाई समवन हु लव्स बूंदी रायता इज गोइंग टू ऑर्डर दिस अगेन। बूंदी एक्सट्रीमली सॉफ्ट, आप इसको ऐसा मीठा बूंदी रायता कंसिडर मत करो, ना ही उसको यू नो ऐसा सेवरी या ऐसा थोड़ा चटाकेदार एक्सपेक्ट करो, मिक्स रखो। ये मुझे ऑनेस्टली बहुत पसंद आया। लास्ट चीज गोइंग टू बी दिस गुलाब जामुन, भाई बेस्ट चीज़ खाई मैंने अब तक की। ये गुलाब जामुन इतना सॉफ्ट है फ्रॉम द इनसाइड, बाहर से भी है सॉफ्ट लेकिन अंदर से जो इसका सॉफ्टनेस है ना, इट्स अनबीटेबल, डिसेंटली स्वीट। ऑफकोर्स मैंने खाना तो खाया है, बट ये जो गुलाब जामुन है ना, इसकी बात ही अलग है। अभी लास्ट चीज़, वैसे ये थाली में नहीं आती है, इनके जो स्टाफ है और जो ओनर है इन पर्टिकुलर बहुत स्वीट है, उन्होंने बोला हमारे साइड से आप ये मटका रबड़ी ट्राई करिए, तो ये मटका रबड़ी हम लोग ट्राई करते हैं। ये देखिए, ओ माय गॉड, लुक एट द कंसिस्टेंसी, इट्स सो थिक, लुक एट दिस। ऊपर से हल्का सा पिस्ताशियो इसमें यू नो ग्रेट करके डाला हुआ है। यहाँ तो मैं आपसे बात करूँ,
यहाँ तो मैं खा रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं बात करूँ या खाऊँ, क्योंकि दिस रबड़ी इज वेरी गुड। आई मीन टू माई सरप्राइज इनके जो डिज़र्ट्स आइटम है, देसी डिज़र्ट्स, दे आर आउटस्टैंडिंग। दिस रबड़ी हैज़ दिस नाइस क्रीमी मलाई का टेक्सचर, एकदम ऐसा पतली भी नहीं है, एकदम ही ऐसा यू नो मोटी रबड़ी भी नहीं है, इट हैज़ लाइक नाइस सेमी थिक सॉर्ट ऑफ यू नो जो रबड़ी होती है वैसी है, वेरी नाइस। ठंडी है बिकॉज ये अच्छे खासे ये मटके में दिए, छोटा मटका। कितना मज़ा आया मुझे ये सब खा के एंड स्पेशली इनके डिजर्ट्स खा के। यू शुड कम एंड ट्राई योर योरसेल्फ, आई तो लव्ड इट पर्सनली। नेक्स्ट अप, सी एस टी के बाहर एक ऐसी चीज़ मिलती है जो ऑनेस्टली मुझे तो अपने कॉलेज में कोई पता ही नहीं चली, दैट इज़ मनोज डब्ल्यू टी सी पास्ता। नाउ देर आर 2 to 3 ब्रांचेस ऑफ डब्ल्यू टी सी मनोज पास्ता इन मुंबई, दिस इज़ वन ऑफ देम। देर इज़ वन इन बैकला, देर इज़ वन इन कफपरेट, आई नेवर न्यू के यहाँ पे भी एक है, दिस इज़ वेरी फेमस। ऑल्दो दिस आउटलेट जो मैं आया हुआ हूँ, हिंस चाइनीज़ जो है ना सी एस टी पे, उसके एकदम बगल में आता है, काफ़ी छोटा सा आउटलेट है। यहाँ पे आपको गार्लिक ब्रेड, पास्ता, पेने पास्ता, मैक्रोनी दोनों में मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने इनके पास से पिंक सॉस में पेने पास्ता ऑर्डर कर लिया है, ये देखिए। सो वन थिंग विच डब्ल्यू टी सी हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर इज़ हैविंग लोड्स ऑफ चीज़ ऑन टॉप। अगर आप ये पास्ता देखोगे, अगर आप मुंबई से हो तो आप समझ जाओगे कि भाई यार ये मैं डब्ल्यू टी सी के पास ही खा रहा हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ होती है। एंड ये मैंने पिंक सॉस में पेने में मंगाया है। Oh my god, one thing which I tell you as a disclaimer, pastas here are always quite heavy. I've had the pastas here before but not here, like bahut saal pehle, main chota tha tab khaya tha, yahan pe nahi khaya tha, kahin aur hi khaya tha maine. Yaar WTC Manoj ki baat hi kuch aur hai. Don't expect this to be like wo jo cafe mein authentic pastas milte hai na, Italian wale, waise nahi hai, thoda desi touch hai, grated cheese bahut sari hoti hai, jo red aur you know व्हाइट सॉस का जो एक मिक्सचर रहता है उसकी वजह से खटास भी आ रही है और क्रीमीनेस भी आ रही है। व्हाइट सॉस की वजह से क्रीमीनेस आ रही है, रेड सॉस की वजह से क्योंकि टोमेटो जाता है अराबियाता सॉस की वजह से, तो खटास भी मुझे बहुत अच्छी से आ रही है। ये देखिए, लुक एट हाउ थिक दिस सॉस, ये देखो ऐसा सॉस निकल भी नहीं रहा है। अगेन चीज़ ऑन टॉप इज बीन देयर यूएसपी। ऑल्दो इफ यू आस्क मी, फॉर वन पर्सन इज गोइंग टू बी लाइक वेरी वेरी हैप्पी, दिस इज 290 rupees में वन फुल प्लेट। हल्के हल्के चिली फ्लेक्स भी डाले हुए हैं, हल्का हल्का सा पार्सली भी डाला हुआ है। वेजीज आई हैवन टेस्टेड द वेजीज येट, मेरे को अब तक फिलहाल एक फर्स्ट बाइट में टेस्ट नहीं आई है वेजीज की, बट लेट मी टेल यू अबाउट द पास्ता, दे आर एक्सट्रीमली सॉफ्ट, लाइक बोलते ना मेल्ट इन द माउथ है ये पास्ता। हल्का सा मुझे ना इसमें से कैप्सिकम का भी टेस्ट आया अभी। अगर आप आओगे तो किसी को साथ में लेके आना, वरना हाफ ले लेना, यहाँ पे फिलहाल हाफ नहीं मिल रहा है, फुली मिल रहा है, आधा खाओ आधा पार्सल करके लेके जाओ, टेस्ट आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अगर मैं साउथ मुंबई में कोई भी वीडियो बनाऊंगा, स्पेशली सीएसटी के बाजू में, और अगर मैं कोई ईरानी कैफे नहीं करूंगा, तो आप बोलोगे कि प्रमोद भाई दिस इज़ नॉट फेयर, दिस वीडियो इज़ इनकम्प्लीट। तो आई नो दैट। सो सीएसटी स्टेशन के बाजू में ना, हालांकि इतना बाजू में भी इतने सारे ईरानी कैफेज़ नहीं है, आप 1 किलोमीटर के बाहर के रेंज में जाओगे तो आपको मिलेंगे। मेरा वीडियो का क्राइटेरिया इज़ ऑलवेज सिंपल, सीएसटी स्टेशन के 1 किलोमीटर के अंदर जो भी खाने पीने की चीज़ें वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, उसके बाहर जाओगे तो आपको और ज़्यादा मरीन लाइंस, ग्रांड रोड साइड आपको ज़्यादा ईरानी कैफेज मिलेंगी। यहाँ पे मैं जो आ चुका हूँ कैफे एक्सेल्सियर में, शाम के टाइम पे आया हुआ हूँ। अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस टू हैव चाय, बन उसका कीमा, अंडा, चिकन रोल, हॉट डॉग्स, एंड देयर इज कटलेट, वेज पैटीज, लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू गेट हियर। यहाँ पे आ चुके हैं हम शाम का एक हल्का सा स्नैक करने, इसके बाद हम लोग जाएंगे कोको कार्ड, विच इज़ अगेन नेक्स्ट टू द स्पेस ओनली। अभी देखते हैं इनके पास मेन्यू में क्या है, और अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आ रहा है और हेल्पफुल भी होगा, इस वीडियो को एक प्लीज़ लाइक डेफिनेटली कर दीजिएगा। सो आई गॉट माई सेल्फ अ चिकन पैटी एंड अ वेज पैटी, एंड एज वी टॉक वी हैव अवर ब्रांड मस्का चाय एज वेल, बट आप इस पर आइए पहले आ जाइए। दिस इज़ देयर चिकन पैटी। अंदर अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो देयर इज ओनली चिकन हियर, हल्की सी शेडेड चिकन मुझे दिख रही है, एंड इट्स क्वाइट हॉट, मतलब उसको अच्छे से बहुत बेक किया है।
लेट मी सी, लॉट्स ऑफ ग्रस्ड चिकन. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट लाइक सी एनीथिंग, लाइक हल्की सी मुझे चीज़ दिख रही है, क्योंकि हल्का सा मुझे यहाँ पे चीज़ फुल दिख रहा है, बट उसको खा के और आइडिया मिलेगी हमें. Oh my god, never have I ever had a chicken patty like this. It has good boiled chicken, halki si cheese, that is it, nothing else. If I show you this puff, bahar se to yaar kafi flaky hai, halke sa crumble hoke gir bhi raha hai, but the chicken in the inside is extremely soft, like very soft. Crumbly chicken hai, matlab sirf chunks nahi hai, and this is not going to be spicy. This will be more of, you know, buttery, cheesy and loads of chicken. Next up is this veg patty. Well, this I feel is going to be like a normal veg puff jo hota hai na, वैसे ही होगा. अंदर आलू दिख रहा है, ये देखिए, बस आलू ही दिख रहा है मुझे. आलू की पूरी ऐसी sort of stuffing बाहर आ रही है. Look at this, entire आलू की stuffing, and this is also very very hot. इतना सॉफ्ट पोटैटो है. हालांकि मेरे को ये हो या वो चिकन पैटीज, दोनों में स्पाइसीनेस नहीं लगी. पफ हल्का सा, लाइक बोलते ना 100 में से 5% ब्लैंड लगेगा आपको, बट 95% सॉफ्ट. बाहर की एज भी कड़क भी है, गर्म भी है, वेरी गुड. नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे बन मस्का भी ऑर्डर किया. ईरानी कैफे में बन मस्का ना खाओ तो यार अधूरा लगता है. ये देखो, इनका अंदर मस्का है, काफ़ी सॉफ्ट है, एंड बन इज ऑल्सो क्वाइट सॉफ्ट. एंड यूर वी हैव सम चाय, लेट्स डिप दिस राइट इन योर. The bun, जो बन मस्के का जो बन है, स्मॉल स्मॉल सॉर्ट ऑफ जेलीज, द बटर ऑन द इनसाइड, इट इज़ सो क्रीमी, सो नाइस, सो सॉफ्ट, एंड द चाय डिसेंट स्वीट, इट इज इट्स नॉट लाइक दैट ओवर पावरिंग स्वीट. आपको जो मिठास आएगी जो चाय में से आएगी, बन मस्के का जो बन है इट्स नॉट स्वीट. हालांकि जेलीज की वजह से आपको एक्स्ट्रा स्वीटनेस आ सकती है अगर आप जेली पे बाइट करोगे. अपार्ट फ्रॉम दैट द बन इज नॉट स्वीट, चाय इज स्वीट. हल्का सा सॉल्टीनेस आएगा फ्रॉम द बटर, वेरी गुड. लाइक इफ यू आस्क मी, कैफे एक्सेलसियर अमेजिंग प्लेस. मतलब काफ़ी छोटा सा आउटलेट है, अगेन विंटेज आपको इंटीरियर्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे और भी चीज़ें मिलेंगी. आपको नॉर्थ इंडियन फूड खाना है, थोड़ा ऐसे पारसी फूड खाना है, चिकन मटन भुना खाना है, मेन कोर्स खाना है फूड, वो भी आपको ऐसा मिल जाएगा. ये मेन्यू आप देख रहे हो, सारा का सारा फूड आपको वो भी मिल जाएगा. फॉर एन इवनिंग स्नैक, चाय बन मस्का पैटिस, नॉट अ बैड आइडिया. तो नेक्स्ट अप वी आर एट अ डिजर्ट प्लेस विच इज़ गोइंग टू बी द लास्ट प्लेस ऑफ आवर डे. लेट मी टेल यू, टीएसटी के बाजू में ऑफकोर्स आपको बहुत सारा चीप प्लेसेस मिलेंगी टू ईट, बहुत बजट फ्रेंडली प्लेसेस मिलेंगी, लेकिन इफ यू आर समवन हु वांट्स टू गो एंड हैव अ नाइस डिजर्ट, तो लेट मी टेल यू, मुंबई है कोको कार्ड कैफे नाम की एक जगह पे, विच इज़ प्राइमरीली फेमस फॉर इट्स इनसेन वेराइटी ऑफ चॉकलेट्स. आपको टॉप नॉच चॉकलेट्स यहाँ पे मिलेंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स के चॉकलेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. वैसे ये जो कोको कार्ड कैफे है, ये आपको तकरीबन 250-300 मीटर के वॉक पे मिलेगा सीएससी स्टेशन से. वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली, यू नो, बहुत अच्छा यहाँ का इंटीरियर मुझे ऑनेस्टली लग रहा है. जिसमें फर्स्ट टाइम कमिंग टू कोको कार्ड, आई हैव नेवर बीन टू इट. कमिंग टू द फूड, आई हैव ऑर्डर्ड माई सेल्फ अ ब्लूबेरी चीज केक एंड गोडाइवा कुकी, विच इज़ बेसिकली एक कुकी के अंदर चॉकलेट की स्टफिंग होती है, और उसके ऊपर दे हैव अ ह्यूज स्लैब ऑफ लाइक सॉर्ट ऑफ अ चॉकलेट. सो लेट्स टेस्ट दिस. इसके लिए मैं ऑनेस्टली थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. अंदर मुझे हल्का सा चॉकलेट दिख रहा है, वॉर्म, आई गेस देयर इज अ बिट ऑफ सी सॉल्ट, आई एम नॉट श्योर, हल्का सा सी सॉल्ट मुझे लग रहा है. आई हैव हैड मेनी डिजर्ट्स इन मुंबई, नॉट गोइंग टू लाइक, ये वाली जो कुकी है ना, नंबर वन, तो कुकी इज एक्सट्रीमली लाइक सॉफ्ट, हल्का सा वो सॉल्टीनेस बिकॉज देयर सी सॉल्ट ऑन द टॉप. इफ आई शो यू द कुकी, इट्स एक्सट्रीमली सॉफ्ट. डोई कैसा रहता है, डो कैसा रहता है, वैसा सॉर्ट ऑफ इसका टेस्ट है. चॉकलेट के हल्के हल्के से चिप्स मुझे दिख रहे हैं अंदर से, हालांकि इतनी स्टफिंग नहीं है, मतलब एजेस में और बीच बीच में स्मॉल स्मॉल चॉकलेट चिप्स. मैं 20 सेकेंड गिरोगे ना पूरा ख़त्म कर दूंगा, 20 सेकेंड, इट्स दैट गुड. बट नेक्स्ट ब्लूबेरी चीज़ केक. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ट्राई दिस ब्लूबेरी चीज़ केक. दिस है ब्लूबेरी एंड रास्पबेरी, दोनों का कॉम्पोट है इसमें,
So let's try. Now there is some competition to that Godiva cookie because now you can't choose one. That thing is hot because usko microwave kiya gaya tha aapko dene ke pehle. This one is going to be, of course, blueberry cheesecake hai to chilled rehta hai. But the cream cheese frosting, extremely soft. There's you know raspberry and blueberry dono ka mixture aata hai compote mein whenever you take that bite. Agar aap beech mein dekhoge to ye aapko halka sa compote milega yahan pe. Look at this. And I'll have it with this blueberry ka ek, you know, a piece. The base is quite thin. The majority of the, you know, cheesecake has been taken over by the cream cheese frosting along with blueberry and raspberry compote. Dono equally acche hain. Aap dono ke try kar sakte ho. To ye desserts ke saath hum log aaj ka ye video yahan pe end kar rahe hain. I hope ye best food near stations ki series mein aapko maza aa raha hoga aur ye video bhi dekh ke aaya guys aapko utna hi maza aaya hai. Agar aaya hai maza to is video ko ek like definitely kar dijiyega aur apne doston ke saath share kariye jo CST aate hain who have the food here unko shayad ye video help kar de. इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा. एंड यप, आई विल सी यू द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज आई ऑलवेज से पीस.